नमस्कार दोस्तों आज हम विद्युत तथा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे यह वीडियो कक्षा छः विज्ञान के लिए है विद्युत को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और परिपथ को हम सर्किट कहते हैं विद्युत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है इसने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है यह हमारे काफ़ी सारे उपकरणों में काम को चलाने में काम आता है जैसे कि बल्ब जो हमें रोशनी प्रदान करता है या फिर पंखा जो हमें गर्मी से राहत देता है या फिर फोन जो हम सबको जोड़े रखता है न केवल ये बल्कि जिस उपकरण का इस्तेमाल करके आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी विद्युत से ही चलता है तो देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे आज हम सेल के बारे में सीखेंगे ये सेल विद्युत कैसे पैदा करता है और किस लिए काम आता है हम विद्युत का परिपथ भी सीखेंगे जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कहते हैं हम देखेंगे कि विद्युत का प्रवाह किस तरीके से एक विद्युत के परिपथ में होता है उसके बाद हम विद्युत के स्विच के बारे में सीखेंगे जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल स्विच भी कहा जाता है उसके बाद आखिर में हम विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक जिसे इंग्लिश में कंडक्टर और इंसुलेटर कहा जाता है उसके बारे में भी सीखेंगे हम सीखेंगे कि ये कैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं और हम लोग यह भी सीखेंगे कि विद्युत उपकरणों को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सेल यह उपकरणों को बिजली देने में काम आता है आप अपने नीचे की ओर एक पिक्चर देख रहे हैं ऐसा ही दिखता है सेल सेल पर दो चिन्ह होते हैं एक धन चिन्ह होता है जिसे हम इंग्लिश में पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं और एक होता है रिंट चिन्ह जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं यदि आपको यह यह सेल देखना है तो वीडियो को पॉज कर कर आप अपने टीवी के रिमोट में से सेल निकाल कर भी देख सकते हैं अगर आप सेल के धन चिन्ह की ओर ध्यान दें तो सेल के धन चिन्ह के ओर हमेशा एक कैप सी आकृति बनी रहती है यह हमें यह ज्ञात करने में आसानी देती है कि कौन सा धन चिन्ह है और अगर आप ऋण चिन्ह की ओर देखेंगे तो वहां हमें एक डिस्क का आकार दिखता है अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सेल से बिजली कैसे पैदा होती है या विद्युत कैसे पैदा होती है तो सेल में रासायनिक पदार्थ होते हैं इन रासायनिक पदार्थों की मदद से ही सेल के सेल के अंदर विद्युत पैदा की जाती है सेल के अंदर यदि यह रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाए तो इसका मतलब वह सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देगा और हमें उसमें नए सेल या उपकरण में नए सेल डालने पड़ेंगे अब हम देखते हैं विद्युत का परिपथ विद्युत का परिपथ सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत के प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है यानी यह हमें बताता है कि विद्युत का प्रवाह सेल से निकलकर किस ओर जाता है और फिर कहां से वापस सेल के अंदर आता है अगर आप अपने इस पिक्चर पर ध्यान से देखेंगे तो विद्युत की धारा जो है वो सेल के धन टर्मिनल से निकलकर बल्ब की ओर जाकर उसे दीपमान करती है फिर वह बल्ब से वापस निकलकर सेल के रिंट यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है जैसा आप इस एरो में भी देख सकते हैं अब हम विद्युत के स्विच के बारे में देखते हैं इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल स्विच भी कहते हैं यह कुछ ऐसा दिखता है या फिर ऐसा भी यह हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है इससे हम बल्बों या पंखों या फिर टॉर्चों को ऑन या ऑफ करते हैं यानी चालू या बंद करते हैं यह एक सरल युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ने या तोड़ने में काम आती है यानी कि हम लोग परिपथ को तोड़ने या जोड़ने से विद्युत के प्रवाह को रोक देते हैं ताकि वह बंद हो जाए वह विद्युत उपकरण बंद हो जाए या फिर वह चालू हो जाए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब अब आप अपना खुद का टॉर्च बना सकते हैं उस टॉर्च को बनाने के लिए आपको बस एक बल्ब एक बैटरी कुछ धातु के तार पिन या फिर सेफ्टी पिन की जरूरत होगी और आप काफ़ी आसानी से उस टॉर्च को बना सकते हैं अब विद्युत चालक के बारे में जानते हैं विद्युत चालक वह पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं इसके कई उदाहरण हैं जैसे कि धातु के तार जो हमारे घरों में हर जगह हैं ताकि हम अपने उपकरणों को बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल कर सकें या फिर पानी या फिर इंसान स्वयं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारे सारे उपकरण चल रहे हैं हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम विद्युत के उपकरणों का इस्तेमाल करें तो हम सावधानी बरतें क्योंकि हम स्वयं एक विद्युत चालक होते हैं और यदि हम सावधानी ना बरतें तो हम लोगों को भी विद्युत का झटका लग सकता है हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी स्वयं एक विद्युत चालक है तो हम अपने हाथ जब गीले हों तब विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल ना करें अब हम विद्युत रोधक के बारे में जानते हैं विद्युत रोधक वह पदार्थ हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देते हैं यह विद्युत धारा को रोकते हैं इनके भी कई उदाहरण हैं जैसे कि रबर लकड़ी या फिर प्लास्टिक भले ही ये विद्युत धारा को रोकते हो पर यह बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारी जिंदगी में बहुत काम आते हैं क्योंकि ये विद्युत उपकरणों के भारी भाग को बनाने में काम आते हैं स्विचों को बनाने के काम आते हैं या स्विच बोर्ड को बनाने के काम आते हैं रबर के विद्युत रोधक होने के कारण ही की वजह से ही हम जब भी विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हमेशा ये कहा जाता है कि रबर की चप्पलों का ही इस्तेमाल किया जाए और हमें इस चीज का ध्यान भी रखना चाहिए तो देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा हमने ये जाना कि विद्युत सेल जो है वो विद्युत का स्त्रोत्र होता है और उसमें दो टर्मिनल होते हैं एक धन टर्मिनल जो पॉजिटिव होता है और एक ऋण टर्मिनल जो नेगेटिव होता है फिर हमने विद्युत परिपथ के बारे में जाना और हमने ये देखा कि विद्युत की धारा विद्युत के परिपथ में किस ओर बहती है उसके बाद हमने स्विच के बारे में जाना और स्विच क्या करता है कैसे काम करता है उसके बारे में भी जाना फिर हमने उसके बाद विद्युत चालक के बारे में भी जाना कि वो क्या है और वो अपने अंदर कैसे विद्युत को प्रवाह करता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है या जरूरी है वो भी हमने जाना अंत में हमने विद्युत रोधक के बारे में जाना कि विद्युत रोधक क्या है और वह क्यों जरूरी है और साथ के साथ हमने कुछ कुछ सावधानी बरतने की जो नसीहतें हैं वह भी सीखी आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक ओएल आई एन आई का पेज सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें